किजारू, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके आगे 2 साल पहले पूरा स्ट्रो हैट क्रू भी कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं क्योंकि लूफी अब एक योंको है और वो शो भी कर रहा है कि ये टाइटल उसको बस नाम के लिए नहीं मिला बल्कि वो इस टाइटल के पूरे हकदार है। बट वेट भाई, चैप्टर में तो वेगापंक ने पूरी दुनिया के आगे वन पीस वर्ल्ड के काले चिट्ठे खोल के रख दिए, यानी कि फाइनली उन सारी पुरानी मिस्ट्री से पर्दा उठेगा और हम एंशिएंट किंगडम के बारे में भी जानेंगे। सो चैप्टर का टाइटल है अटेंशन वर्ल्ड। चैप्टर के कवरेज में हम तो भाई काफी सारी क्यूटीज ब्यूटीज को देखते हैं, जहाँ पे नामी, रॉबिन, हैनकॉक, उटा, टशिकी और रेजू है जो कि ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं। बट भाई रेजू का तो यहाँ पे कुछ और ही प्लान लग रहा है, मानो वो टशिकी को एंजॉय करना चाहती हो। सो लास्ट चैप्टर के अंदर कैसे कैरिबू डिवन और फैन वगैरह के सामने आके उसे अपने साथ टीच के पास ले जाने को कह रहा था, क्योंकि वो ब्लैकबेर्ड का एक फैन बॉय है और वो ब्लैकबेर्ड को अपना आइडल, हीरो, भगवान की तरह मानता है, सेम लाइक लूफी के सिम बार्तोलोमे की तरह। विच गॉट मी थिंकिंग कि अगर इन दोनों की फाइट हुई तो आखिर कौन जीतेगा, अपने ओपिनियन भाई कमेंट बताना। लेकिन एक बात तो है भाई, जो कैरिबू है वो ब्लैकबेर्ड के ज्यादा काम आएगा इन कंपैरिजन टू बार्तोलोमे, जो कि लूफी को उतना काम नहीं आ सकता, क्योंकि कैरिबू के पास 2 एंशिएंट वेपन प्लूटोन और पोसाइडन की लोकेशन है जिसको वो ट्रेड करके ब्लैकबेर्ड के क्रू में जुड़ना चाहता है। बट ऑब्वियसली ऐसे कोई उनके सामने आएगा तो वो लोग सस्पिशियस तो यहाँ पे थोड़े होंगे ही। सो वैन ओगर तो भाई सीधा कैरिबू के सर पे अपनी स्नाइपर तान देता, लेकिन कैरिबू से समझाता है कि मुन्ना तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तूने मुझे मारा तो कहीं ब्लैकबेर्ड तुझे ही ना मार दे, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्लैकबेर्ड के काफी काम आएगी। सो मेरी अभी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे ब्लैकबेर्ड के पास लेके चलो और मैं ये इन्फॉर्मेशन ब्लैकबेर्ड को एकदम फ्री में दे दूंगा। वेल, अब ले जाना या ना ले जाना उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जो वैन ओगर है उसको भाई कैरिबू पे शक है कि कहीं ये बंदा मरीन से जुड़ा ना हो। बट शायद वो लोग उसे लेके ही चले, क्योंकि आखिर कैरिबू जैसा बंदा मार्शल डी टीच के लिए आखिर कितना ही खतरा बन सकता है। मीनवाइल एगहेड में तो भाई एकदम तबाही मच रही है, क्योंकि इतने शिप्स होने के बावजूद भी भाई जो मरीन है उनको पैसिफिस्टस का सामना करने में काफी मुश्किल हो रही है। पैसिफिस्टस की लेजर्स क्या कम थी, जो भाई नए पैसिफिस्टस के पास बबल शील्ड भी है जिससे वो कैनन्स को इजीली डिसलेक्ट कर दे रहे और एक एक करके और भी मरीन शिप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये सारा तमाशा यहाँ पे जो वाइस एडमिरल से वो खड़े होकर देख रहे थे, जिनके फाइनली यहाँ पे नाम रिवील किए गए। वाइस एडमिरल डॉलर डोवरमैन को तो तुम जानते ही होगे, और हमने ये ओल्ड लेडी ब्लूग्रास को भी देख लिया था जिसके पास राइट फ्रूट है जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकती है, जिसके ऊपर भी राइट कर रही होगी। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने वो बहुत सारे चीन वाले वाइस एडमिरल का नाम भी देख लिया था जो कि रेड किंग है। सो अब बाकी ये बचे वाइस एडमिरल्स है हाउंड, गिलोटीन, टोसा, अर्बन एंड पॉम्स की, जहाँ पे वो सब लोग बात कर रहे थे कि कैसे अगर वो लोग पैसिफिस्टस को डिस्ट्रॉय करेंगे तो इसमें मरीन्स का ही नुकसान है, लेकिन अगर वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं करेंगे तो भाई ये भी बेवकूफी होगी। सो देवर थिंकिंग कि क्या एक बस्टर कॉल को वापस लिया जा सकता है, जो कि भाई आज तक कभी नहीं हुआ। बट क्योंकि भाई वेगापंक ने पैसिफिस्टस का जो कंट्रोल है वो एक पायरेट के हाथ में दे दिया है, तो ये तो भाई और भी बड़ा गुनाह है, तो भाई बस्टर कॉल तो अब नहीं रुकने वाली और उन्हें कुछ भी करके अब बॉनी को खत्म करना पड़ेगा, तभी जो पैसिफिस्टस का कंट्रोल है उनके हाथ में वापस आ पाएगा। सो अभी जो सारे वाइस एडमिरल्स हैं वो भाई बाकी सब चीजों को छोड़ के बॉनी को टारगेट करेंगे, जहाँ पे उसकी लोकेशन उन्हें पता भी है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो वाइस एडमिरल टोसा है वो बॉनी को फ्रैंकी के साथ भागते हुए देख लेता और अब वो उनके ऊपर हमला करने वाला था, जहाँ हम उसका हाथ आर्मर ढाके से कवर होते हुए देख सकते और वो उनके ऊपर 10 बैरल फिंगर पिस्टल से अटैक करने वाला था, जो कि अगर बॉनी को पड़ा तो वो डेफिनेटली काफी इंजर्ड हो जाएगी, और क्योंकि जो टोसा है उनके पीछे से अटैक करता है तो फ्रैंकी भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन भाई फॉर्चुनेटली क्योंकि वो लोग एगहेड के नॉर्दर्न कोस्ट की तरफ भागते हैं, तो तभी यहाँ पे उनका सामना डोरियर ब्रोगी से होता, जहाँ पे भाई ब्रोगी तो अपने एक्स से वाइस एडमिरल टोसा को भाई जमीन में गाड़ देता है। मैं कह रहा हूँ भाई ये वाइस एडमिरल का लेवल वन पीस के अंदर एकदम गिर सा गया है। पहले क्या खौफ था भाई वाइस एडमिरल का, जहाँ पे स्मोकर, सॉल, वर्गो और इवन गार भी वाइस एडमिरल है, और जब अकाइनू, किजारू, आओकीजी वाइस एडमिरल रहे होंगे तब तो भाई कुछ अलग ही लेवल होगा इस पोस्ट का। लेकिन आफ्टर टाइम स्किप कोई ढंग का कैरेक्टर देखता ही नहीं है। वेल, मैं ब्लेम भी नहीं कर सकता इन्हें, क्योंकि वन पीस फाइनल सागा में है सो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग लोगों को दिखाना होगा, और डोरियर ब्रोगी ऑब्वियसली काफी स्ट्रॉन्ग है एक वाइस एडमिरल के कंपैरिजन में, तो अब बाकी सब वाइस एडमिरल को एक साथ आके भाई इनका सामना करना पड़ेगा। जहाँ पे जैसे ही उनका कनेक्शन वाइस एडमिरल टोसा से टूटा, यहाँ पे वो सब लोग डिसाइड करते कि वो लोग एगहेड के नॉर्दर्न कोस्ट में जाएंगे और डोरियर ब्रोगी का सामना करेंगे। बट फिलहाल अभी ये सब होने में टाइम है, सो हम फ्रैंकी के ग्रुप को देखते जो कि जेंट्स को देख के थोड़ा शॉक थे, क्योंकि फ्रैंकी कभी डोरियर ब्रोगी से मिला ही नहीं था। So, वो सब लोग यहाँ पे अभी थोड़ा पैनिक में कि कहीं हमें इन जायंट्स का सामना ना करना पड़े। वेल, यहाँ पे डोरियर ब्रोगी भी थोड़ा कंफ्यूज थे कि क्या ये लोग स्ट्रॉ हैट के साथ हैं
क्योंकि वो लोग कभी फ्रैंकी से नहीं मिले थे। इवन उन्होंने स्ट्रॉ हैट के सारे मेंबर्स के बाउंटी पोस्टर देख लिए, उनकी शक्ल भी याद कर ली थी, लेकिन भाई फ्रैंकी की शक्ल उन्हें याद नहीं हुई, क्योंकि जो फ्रैंकी का बाउंटी पोस्टर है उसमें तो भाई सनी की फोटो लगी हुई है। डॉरी और ब्रॉगी यहाँ पे कहते कि हम तो स्ट्रॉ हैट की मदद करने आए, सो फ्रैंकी यहाँ पे उन्हें समझाते कि अच्छा वो तो मेरा कैप्टन है। जिसे सुनकर डॉरी और ब्रॉगी बाकी सारे जायंट्स को ऑर्डर देते कि जो फ्रैंकी का ग्रुप है उनको अपनी शिप की तरफ ले जाओ। और इसी बीच बॉनी उनसे कहते कि लूफी, सांजी और वेगापंक तीनों अभी भी एकेडमी के सेंटर में फंसे हुए हैं, सो क्या तुम जाके उनकी मदद कर सकते हो, जो कि भाई ऑब्वियसली वो करेंगे ही। लेकिन वेगापंक का यहाँ पे नाम सुनके वो ये भी कहते कि इसकी बात तो वो स्कॉलर कर रहा था, प्रोबेबली यहाँ पे स्कॉलर से उनका मतलब सॉल्व होगा, क्योंकि अब वही एक बंदा बचा है जिसने भाई ओहारा की सारी बुक्स पढ़ रखी हैं। कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि मे बी नीको ओलिविया यानी कि रॉबिन की मॉम जिंदा हो, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वन पीस में मदर का जो कैरेक्टर है उसको इतना इन्वॉल्व नहीं किया गया। वेल अब जेंट्स फ्रैंकी के ग्रुप को उनकी शिप की तरफ ले जाते हैं, और जो डॉरी और ब्रॉगी वो लूफी के पास जा रहे थे, जहाँ सीन फिर उसी एक्शन की तरफ शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि सैडन तो भाई एकदम अपने भयंकर बीस्ट फॉर्म में आ गया है, जहाँ उसके हाथ वगैरह भी अब स्पाइडर लेग्स में कन्वर्ट हो गए हैं, उसका साइज भी काफी बढ़ गया है, और उसकी जो आंखें और चेहरा है वो तो एकदम खौफनाक ही लग रहा है। सांजी भी उसके इस लुक को देख के कमेंट करता है कि अब तो इसके इस लुक ने इंसानियत को एकदम पीछे ही छोड़ दिया है। और इवन सैटन के जो स्पाइडर लेग्स थे वो भाई सम काइंड ऑफ वेनम से कोटेड है, जहाँ पे वो जैसे एक पेड़ को स्टैब करता वो एकदम पिघलने लग गया। लूफी यहाँ पे वेगापंक से बात कर रहा था कि उसने लूफी को कहा था कि मुझे यहाँ पे बाहर लेके चलो, लेकिन अब वो खुद ही यहाँ से नहीं हिल रहा है, बट वेगापंक यहाँ पे कहता कि अगर मैं यहाँ से हिला तो मेरी मौत हो जाएगी, तो मुझे तुम यहीं पे छोड़ दो। वेगापंक तो यहाँ पे ये तक कहता है कि मैं बॉनी को पैसिविस्टर्स का कंट्रोल लेने वाली बात जब वो थोड़ी बड़ी होती तब बताना चाहता था, लेकिन क्योंकि अब ये बात रिवील हो गई है तो सारे जो मरीन्स है अब वो उसको टारगेट करेंगे, सो प्लीज तुम लोग उसका ध्यान रखना। विच मीन्स मे बी भाई हम बॉनी को स्ट्रॉ हैट क्रू के साथ ही देख पाए अगर यहाँ पे वेगापंक की डेथ हो जाती है तो, और अगर यहाँ से वो जिंदा बच के निकल गया मे बी फिर यहाँ पे वेगापंक और जो बॉनी है वो एल्बाफ में साथ रहे या फिर कहीं और भी साथ रहे। बट भाई फिलहाल के लिए तो यहाँ पे सैटर्न उनके ऊपर अपने पॉइजन वाले स्पाइडर लेग से अटैक कर देता जो कि काइंड ऑफ टेंटिकल्स की तरह वर्क कर रहे थे, लेकिन लूफी तो यहाँ हंसते कूदते इजिली उसको डॉज कर रहा है, और वो सांजी को कहता कि वेगापंक को यहाँ से लेके जा, फिर चाहे वेगापंक कितना भी चिल्लाए और कुछ भी कहे तो सांजी भी यहाँ पे ऐसा ही करता है। लेकिन इसी बीच सांजी के सामने आके कीजरू उसे किक करता जिससे सांजी थोड़ा पीछे जा गिरा, और यहाँ पे कीजरू अपनी लाइट स्वॉर्ड से वेगापंक के भाई उसी वुंड को स्टैप कर देता जहाँ पे सैटर्न ने उसे इंजर्ड किया था। अब देखो भाई एक थ्योरी यहाँ पे ऐसी चल रही है कि जो कीजरू है उसने वेगापंक की उसी इंजरी पे जानबूझ के मारा है, क्योंकि कीजरू की जो लाइट स्वॉर्ड है उससे थोड़ी हीट प्रोड्यूस होगी जिससे जो फ्लैश है वो बर्न हो जाएगा और जो वुंड है वो क्लोज हो जाएगा जिससे जो ब्लड लॉस है वो कम रहेगा। इस टेक्निक को भाई मेडिकल टर्म में कॉटराइजेशन कहते हैं, जहाँ पे किसी गर्म चीज से फ्लैश को भाई जलाया जाता है ताकि जो वुंड है वो क्लोज हो जाए। सो क्या ये थ्योरी सही हो सकती है, क्योंकि भाई जो कीजरू है उसने तो पहले वेगापंक और बॉनी को शूट करते टाइम अपनी आंखें भाई बंद कर ली थी, सो कहीं ना कहीं भाई कीजरू भी मजबूरी में ये सब कर रहा है और वो चाहता है कि भाई वेगापंक जिंदा रहे, और ऐसा करके मे बी वो वेगापंक के लिए थोड़ा टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेल तुम्हें क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट करके बताओ यार। बट फिलहाल के लिए तो यहाँ पे सांजी वेगापंक को फिर से उठा के दौड़ने लगा, और ताकि कीजरू उसका पीछा ना करे लूफी भाई अपने जॉइंट फॉर्म में आ गया है, और वो एक हाथ में भाई कीजरू को दबोचता है और दूसरे हाथ में सैटन का सर पकड़ के उसे रोक लेता। लूफी वो लाइक सालो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही निकल जाओगे मेरे आगे से। कीजरू की तो भाई यहाँ पे हवा ही निकाल दी लूफी ने, उसके मुंह से यहाँ पे ब्लड भी आने लगा है, और जो सीरियस फेस है यहाँ पे लूफी का वो एकदम गुस्से वाला है भाई। हाँ भाई कौन कहता कि लूफी गियर 5 में सीरियस नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, मजा नहीं आ रहा है, देख ली भाई लूफी की पावर। एक टाइम था भाई जब पूरा स्ट्रॉ हैट क्रू भी मिलके कीजरू को नहीं संभाल पा रहा था, लेकिन अब लूफी भाई अकेला कीजरू और सैटन दोनों को संभाल रहा है। लूफी सही में भाई काफी ग्रो कर चुका है। सांजी यहाँ पे वेगापंक को लेके दौड़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो वेगापंक को देखता है यहाँ पे भाई वेगापंक काइंड ऑफ स्माइल कर रहा था, जिसे देख के सांजी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि अभी ये बंदा मरने के हालत में था और भाई दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन अभी ये हंस रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेगापंक का फेस किसी लैब की स्क्रीन में दिखता है और वो पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज देना चाहता है। अब भाई शायद से वेगापंक का वही सेटअप वो पंक रिकॉर्ड्स वाला, जिसमें वो कह रहा था कि मैं पंक रिकॉर्ड को पूरी दुनिया से कनेक्ट करना चाहता हूँ ताकि जो सारे लोग हैं वो यहाँ पे डाटा शेयर कर पाए और जो नॉलेज है वो गेन कर पाए। सो मे बी इसी मेथड को यूज करके वेगापंक भाई पूरे वर्ल्ड से बात करना चाहता है। लेकिन सोचने वाली बात तो भाई यहाँ पे ये है कि वेगापंक तो अभी सांजी के साथ था, तो आखिर वो यहाँ पे कैसे पहुंच गया। जिसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें भाई वेगापंक ने पहले से प्लान कर रखी थी, क्योंकि यहाँ पे हम एक मॉनिटर में वेगापंक की काइंड ऑफ हार्ट रेट भी देख सकते जो कि भाई धीरे धीरे गिरते जा रही है। सो मे बी हो
सकता कि वेगाबंक ने से ऐसे प्रोग्राम किया हो कि जैसे ही वेगाबंक की डेथ हो जाए ये जो मैसेज है वो भाई ऑटोमेटिकली पूरे वर्ल्ड के पास पहुंच जाए। जिसका मतलब अगर ऐसा हुआ फिर तो भाई वेगाबंक यहाँ पे डेथ होना कंफर्म है। लेकिन अभी जो मैसेज वेगाबंक पूरी दुनिया को देने वाला है वो असल में वन पीस की पूरी हिस्ट्री, वॉइड सर्जरी, वर्ल्ड गवर्नमेंट के काले चिट्ठे और भाई निका के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो और फाइनली हम उस एंशिएंट किंगडम का नाम जान पाए जिसको भाई डॉक्टर क्लोवर कंप्लीट नहीं कर पाया था।